हरि ओम। मैं वैशाली वीरा निगम, मध्य प्रदेश इंदौर केंद्र से। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ बापू के बारे में। बापू जब से मेरे ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरी ज़िंदगी में मतलब बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज बोलते हैं वो हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बापू की वजह से हूँ। एक छोटा सा अनुभव है कि मेरे घर में एक मेरे को बहुत एनिमल मतलब प्राणियों का शौक़ है, तो मेरे घर में सारे प्राणी हैं। मेरे पास फ़िश हैं, मेरे पास दो डॉग हैं और मतलब टॉर्टोइज वगैरह सब है। तो मेरे चाचा को लगा कि इसको एक पैरट भी देना चाहिए क्योंकि इसको शौक है एनिमल्स का इतना। तो उन्होंने क्या किया, मनावर से उन्होंने मेरे लिए पैरट भेजा। तो वो मैं पैरट लेने के लिए अपनी मम्मी के यहाँ गई क्योंकि मम्मी के आया था वो मेरे पैरट। तो मैं मम्मी के यहाँ गई तो अपन घर से निकलते वक्त सारे लाइट्स बंद करके वगैरह निकलते हैं, तो वैसे ही मैंने सारे लाइट्स ऑफ करे और मैं निकल गई। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं मेरे फ़िश का जो टैंक है उसका बंद कर रही हूँ, स्विच बंद कर रही हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं सारे बंद करके निकल के चली गई। चली गई, दो घंटे बाद मैं पैरेट लेके उसका केज लेके घर पे वापस लौट के आई। और जब मैं घर पे आई तो मैंने लाइट वाइट ऑन करे और मेरा एक्वेरियम की तरफ ध्यान गया। एक्वेरियम की तरफ जैसे ही मेरा ध्यान गया, देखा मेरी एक फ़िश, पूरी बड़ी फ़िश उल्टी हो गई है। तो वो जैसे फ़िश उल्टी हुई देखा तो मैंने बोला, अरे बाप रे, मैंने तो ये स्विच बंद करके गई हूँ, शायद इस कारण से ऐसा हुआ। मैं बहुत डर गई, था क्या बापू के अलावा कोई सहारा तो था नहीं। गई, उदी उठाई और बापू को बोला कि बापू अगर आज ये फ़िश मर गई तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी क्योंकि मैं गिल्ट फील करूँगी कि मेरी वजह से ये गई घर में। और मैंने उदी उठाई और उदी सिर्फ मैंने एक्वेरियम में डाली और बोला कि बापू अब आपके सहारे ये मेरी फ़िश है, पूरी उल्टी हो गई फ़िश। मैंने उसमें उदी डाली और जाके बैठी और पूरा मेरा पठन किया उसके पास में बैठ के, एक्वेरियम के पास में। ये आए तो इन्होंने देखा, ये फ़िश का टैंक वगैरह ये क्लीन करते हैं, तो इनका पूरा ध्यान इन्होंने आके देखा तो बोले ये क्या कर दिया तूने। इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है अब हो गया, गलती हो गई। मैं भगवान का पढ़ते बैठे ये गुस्से से अंदर जाके अपना सो गए, मैं भगवान का पढ़ती रही पूरा बापू का पठन करके। और फिर मैंने बोला बापू मैं जाके सो रही हूँ, अब तुमको जो करना है तुम करना हा? और मैं खुद भी जाके सो गई। दूसरे दिन हम दोनों सुबह उठते बराबर हम सबसे पहले एक्वेरियम के पास गए क्योंकि हमको पता था कि ये सुबह तक नहीं बचेगी। और आपको क्या बताऊं कि मेरे बापू ने मेरी कैसी इज्जत रखी कि उस दिन वो मेरी फ़िश मुझे स्विम करती हुई नज़र आई और एकदम नॉर्मल, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी बार फ़िश मर जाती थी, इतनी प्रॉब्लम जाती थी, मतलब हो जाता था हमेशा कि खत नहीं है वो, पर वो मेरे लिए उन्होंने उस फिश को भी बचाया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। श्री राम अम्बद्य नाथ संवेद।